ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का वीडियो स्पेसिफिकली हैडी चोपान के ऊपर है। सो कुछ सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि हैडी चोपान के ऊपर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि 2019 के मिस्टर ओलंपिया में जो परफॉर्मेंस हैडी चोपान ने दिया था, और पीपल्स चैम्पियन का जो एक सेकेंड, जो फर्स्ट हम जानते हैं कि रोली विंकलर को मिला था, और सेकेंड टाइम हैडी चोपान को प्राइज़ मिला है, तो कहीं ना कहीं इनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। ये एक आयरियन बॉडी बिल्डर हैं, और हम जानते हैं कि वर्ल्ड फेमस हैनी रॉम्बर्ट इनको ट्रेन करते हैं। और मैं भी मानता हूँ कि 2019 में जो फिजिक इन्होंने लाई थी मिस्टर ओलंपिया के स्टेज के ऊपर मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में, बहुत ही इंप्रेसिव फिजिक थी। लाइक जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इनके फैंस की, हाँ जिस तरह का हैडी चोपान हमें देखना चाहिए एक ओपन मैन कैटेगरी में, उस तरह का उन्होंने फिजिक भी लाया था, और इसलिए उनकी प्लेसिंग भी काफ़ी अच्छा ही थी। थर्ड प्लेस पे आए थे उन लोग, थर्ड प्लेस पे हैडी चोपान प्लेस हुए थे। फर्स्ट हम जानते हैं कि फर्स्ट प्लेस ब्रेंडन करी को मिला था, सेकंड विलियम बोनैक को मिला था, थर्ड हैडी चोपान को मिला था। तो काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर भी सवाल पूछे हैं कि क्या हैडी चोपान थर्ड प्लेस डिजर्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सी है कि हैडी चोपान और विलियम बोनैक के बीच में कहीं ना कहीं लोग बहुत नाराज थे कि हैडी चोपान को सेकेंड प्राइज मिलना चाहिए था, विलियम बोनैक को थर्ड मिलना चाहिए था, एंड वाइस वर्सा। देखिए, मैंने पहले भी मेरे वीडियोस में बताया है गाइस कि जो मिस्टर ओलंपिया में जजिंग होती है, तो ऑन स्टेज जो जज करना होता है स्टीव वाइनबर्गर, जो इससे आईएफबीबी के हेड है, जो जजेस के हेड है, उन्होंने भी अपने एक मस्कुलर डेवलपमेंट के मैगजीन के वीडियो में कहा था कि आप जो फोटोज़ में देखते हैं, वीडियोज़ में देखते हैं, लाइव स्ट्रीम में देखते हैं, वो बहुत ही अलग एक एंगल से देखते हैं, और जो वहाँ पे आईएफबीबी के जजेस होते हैं, जो जिस तरीके से वो देखते हैं ऑन स्टेज लाइव, वो काफ़ी अलग होता है। तो हम यहाँ घर बैठ के सिर्फ फोटोज़ देख के ये नहीं कह सकते कि विलियम बोनैक, हैडी चोपान या फिर ब्रेंडन करी, इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डर किस प्लेसिंग में आना चाहिए और किसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो इसके लिए आपको वहाँ लास वेगास जाके लाइव देखना पड़ेगा, तभी समझ में आता है। और मैं भी मानता हूँ कि लाइव एक बॉडी बिल्डर को देखना, ऑन स्टेज इन पर्सन एक बॉडी बिल्डर को देखना, और सिर्फ फोटोज़ देख के, वीडियोज़ देख के जज करना, मुझे भी इतना ठीक नहीं लगता। बाकी आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं मेरे इस ओपिनियन के बारे में, आप अपने ओपिनियंस भी बता सकते हैं। तो बात करें हैडी चोपान की, तो हैडी चोपान ने अपना करियर 2010 से स्टार्ट किया था, और तब से लेकर अब तक 15 प्रोज कंपटीशन इन्होंने, अच्छे प्रो नहीं कह सकते लेकिन अच्छे लेवल के कॉम्पिटिशन इन्होंने जीते हैं। और इनका सबसे नोट वर्दी कॉम्पिटिशन ऑफकोर्स 2019 का मिस्टर ओलंपिया ही रहा है, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे थे कि हैडी चोपान की जो फिजिक है वो 212 डिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है, उनको ये नहीं करना चाहिए था। फ्लेक्स लिविस को वो अच्छे से बीट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ से स्विच करके वापस वो मेंस ओपन में आए और कम्पीट किया उन्होंने, और थर्ड प्लेस आना मेरे मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी बात है। बस अभी ये देखना है कि 2020 का जो मिस्टर ओलंपिया होगा, तो उसमें हैडी चोपान किस तरीके से प्लेस होंगे, क्योंकि जो आप लिस्ट देखेंगे टॉप फाइव की 2019 में, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस पे ब्रेंडन करिया थे, सेकंड प्लेस पे विलियम बोनैक थे, थर्ड पे हैडी थे, फोर्थ पे डेक्सटर जैक्सन आए थे, और फिफ्थ पे रोली विंकलर आए थे। तो यहाँ कहीं भी फिल हीथ नहीं थे, यहाँ कहीं भी बिग रैमी नहीं थे, यहाँ कहीं भी शॉन रॉडन नहीं थे। सो जो टॉप के बॉडी बिल्डर्स हैं वो इस कॉम्पिटिशन में काफ़ी ऑफ थे, या फिर आए नहीं थे, या कम्पीट नहीं किया था उन्होंने। तो अगर इस साल यानी कि 2020 में अगर फिल हीथ, शॉन रॉडन और रॉली विंकलर और बिग ग्रैमी जैसे बड़े गाइस आते हैं, और बहुत मुझे आपको भी पता होगा कि किस तरह का मसल डेंसिटी ये लोग लेके जाते हैं ऑन स्टेज के ऊपर, तो अगर ये लोग ऑन पॉइंट आ जाए, ये चारों बॉडी बिल्डर्स अगर ऑन पॉइंट 2020 में अगर ऑन स्टेज आ जाए, तो हैडी चोपान को मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हैडी चोपान के पास वो फैन फॉलोइंग है, वो एक ह्यूज बेस है उनके पास, फाउंडेशन है, हैनी रॉम्बर्ट जैसे वर्ल्ड क्लास ट्रेनर है जो फिली को ट्रेन करते हैं, तो इतना सब कुछ होने के बाद, और एक वर्ल्ड क्लास कुवैत के जिम में आई थिंक ट्रेन करते हैं वो, तो इतना सब कुछ होने के बाद तो मुझे लगता है कि हैडी चोपान इतनी उनकी प्लेसिंग बीट नहीं होगी। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर बाकी सारे बॉडी बिल्डर्स कम बैक करते हैं और ऑन पॉइंट वापस आते हैं, तो हैडी चोपान की प्लेसिंग थोड़ी ड्रॉप हो सकती है। आई थिंक फिफ्थ या सिक्स प्लेस पर वो आ जाएंगे इस साल 2020 के ओलंपिया में। लेकिन अगर फिलिप कम्पीट नहीं करते, बिग रैमी भी अगर ऑफ आ जाते हैं, फिर उसके बाद शॉन रॉडन भी कम्पीट नहीं करते, तो मुझे लगता है कि हैडी चोपान के पास एक काफ़ी अच्छा चांस है, क्योंकि इतना हाई लेवल का कंपटीशन नहीं होगा। विलियम बोनैक और ब्रेंडन करी को बीट करना इतना नेक्स्ट लेवल चीज़ नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है,
कर सकते हैं। हैडी चोपन के पास वो मसल डेंसिटी है, मसल फाइबर्स है, हमेशा ड्राई आते हैं, कभी उन्हें वाटर होल्ड नहीं किया, एक अच्छी ड्राई फिजिक लेके आते हैं, कंडीशन फिजिक लेके आते हैं। तो यस, हैडी चोपन के पास वो है, कैपेबिलिटी है कि वो ऑन स्टेज ब्रैंडन करी और विलियम बोनैक को बीट कर सकते हैं। ऑफकोर्स इसके और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि हैडी चोपन यूएस के बॉडी बिल्डर नहीं है, पर्शियन बॉडी बिल्डर है, आयरेनियन बॉडी बिल्डर है, तो इनको वीज़ा का भी काफ़ी बार दिक्कत हो चुकी है। हम बहुत सारे वीडियोस में यूट्यूब पे देखते हैं कि कैसे मिडल ईस्ट के बॉडी बिल्डर्स को वीज़ा जल्दी नहीं मिलता कम्पीट करने के लिए, तो ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें देखने पड़ेंगे कि कैसा इसका इफेक्ट होगा इनके ओवरऑल फिजिक के ऊपर या इनके ओवरऑल ट्रेनिंग के ऊपर। तो अब तक तो मिस्टर ओलंपिया 2020 की ऑफिशियल लिस्ट डिक्लेयर नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक कॉम्पिटिशन चल रहे हैं और कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन कैंसिल भी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस साल का जब तक हमें ऑफिशियल लिस्ट नहीं मिलती तो प्रेडिक्ट करना काफ़ी दिक्कत भरा काम है, क्योंकि जब तक मुझे ऑफिशियल लिस्ट दिखाई नहीं देती कि हाँ ये बॉडी बिल्डर कम्पीट करने वाला है मिस्टर ओलंपिया में, तब तक मैं नहीं कह सकता कि या फिर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि हैडी चोपन की जो प्लेसिंग है वो क्या होगी। तो गाइस, हैडी चोपन मेरे तो सबसे फेवरेट बॉडी बिल्डर है, पीपल्स चैंपियन। ऑफकोर्स मुझे लगा था कि हैडी चोपन डिजर्व करते हैं, कंप्लीट डिजर्व करते हैं, मिलना चाहिए था। रही प्लेसिंग की बात, सेकंड या थर्ड तो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आप पीपल्स चैंपियन है और थर्ड प्लेस पे आते हैं मिस्टर ओलंपिया में तो काफ़ी अपने एक अच्छा नोटवर्दी पोजिशन हासिल कर दिया है। तो इसके बाद हैडी चोपन आगे क्या करते हैं, उनका वीज़ा का क्या प्रॉब्लम होता है या फिर वो उनको क्लियरेंस मिलता है या नहीं, ये भी देखेंगे। और एक बार ऑफिशियल लिस्ट एक बार मिल जाती है कि 2020 में ये सारे एथलीट्स कम्पीट करने वाले हैं, तो उसके ऊपर एक वापस से हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि हैडी चोपन की प्लेसिंग क्या हो सकती है, हम प्रेडिक्ट करेंगे, बाकी एथलीट से कंपेयर करके देखेंगे, बाकी एथलीट्स के परफॉर्मेंस से कंपेयर करके देखेंगे। और अगर गाइज आपको हैडी चोपन के ऊपर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनकी डाइट, उनकी ट्रेनिंग, उनकी और उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, मैंने यूट्यूब के जो लिंक है नीचे आप क्लिक करके देखिए डिस्क्रिप्शन में, मैंने सारा जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल था मैंने वो मेंशन कर दिया है, आप पढ़ भी सकते हैं उसके ऊपर अगर आपको और हैडी चोपन के ऊपर जानना है। तो गाइज मुझे बताइए कैसे लगा आपको वीडियो, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, दो बॉडी बिल्डिंग में और फिटनेस इंडस्ट्री में हमेशा इंटरेस्ट रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, आई एम अर्शुल मुदिराज साइनिंग आउट।